हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तुल्य आर्यस ऑनलाइन के अंदर। और हम पढ़ रहे थे पटवारी का फुल कोर्स, और पटवारी के फुल कोर्स के अंदर हम पढ़ रहे थे हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी सब्जेक्ट जो पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारी बात चल रही थी संधि पे, जबकि हम संधि पर अब तक पहुंचे नहीं हैं। संधि से पहले हम बात कर रहे थे वर्णों की, क्योंकि वर्णों का सारा खेल है संधि के अंदर। आइए आज का अपना नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आज का अपना जो नया टॉपिक है वो रहेगा दोस्तों संधि। देखिए, हम बात कर चुके हैं संधि के बारे में, बहुत पहले बात कर चुके हैं पिछली क्लासों के अंदर, परंतु वहां हमने संधि पढ़ने से पहले वर्ण विचार के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि संधि जो होगी वो सारी की सारी वर्णों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे संधि। तो संधि के बारे में जानने से पहले दोस्तों अपन इस संधि शब्द के बारे में जान लें। तो संधि शब्द क्या है इसके बारे में बात करते हैं अपने। तो संधि शब्द क्या है दोस्तों? तो देखिए, संधि शब्द का सीधा सीधा मतलब होता है मित्रता, योग, जोड़, मेल, समझौता, विकार, परिवर्तन। देखिए दोस्तों, इतने जो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द का मतलब क्या है, या आप अकेला अपने संधि शब्द के बारे में जानना चाहें कि संधि शब्द क्या है, तो वो संधि शब्द का मतलब होता है मित्रता, योग, जोड़, मेल, समझौता, विकार या परिवर्तन। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं संधि, हम बात कर रहे हैं संधि के बारे में, और उसके साथ साथ में हम बात कर रहे हैं अतुल्य आर्यस ऑनलाइन की, क्योंकि हम जिस चैनल पर आपके सामने मुखापित हो रहे हैं, वो चैनल जो हमारा है वो है अतुल्य आर्यस ऑनलाइन, जो कि आपको सुविधाएं दे रहा है बिल्कुल निशुल्क पटवारी के फुल सिलेबस के बारे में। यानी आपको जो पटवारी का सिलेबस है वो अतुल्य आर्यस के ऊपर बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है। आपकी सारी की सारी कक्षाएं जो रहेंगी वो पूर्णतया निःशुल्क रहेंगी, और उसके साथ साथ में जो भी हमारा मैटर होगा उसको हम पीडीएफ के रूप में भी हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा रहे हैं आप लोगों को। तो आप हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ में जो घंटी का बटन है उसको भी आप दबा दें, ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन आए तो वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं संधि के बारे में। संधि शब्द जो है वो इन शब्दों का पर्याय है। संधि की बात करें तो संधि शब्द का मतलब मित्रता है, संधि शब्द का मतलब योग है, संधि शब्द का मतलब जोड़ है, संधि का मतलब मेल है, संधि का मतलब समझौता है, संधि का मतलब विकार है, और संधि का मतलब परिवर्तन है। यानी संधि शब्द से ये इतने मीनिंग हम समझ सकते हैं, ये सारे के सारे संधि शब्द के पर्याय हैं, या यूं कहें कि इसके पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत इनको लिया जाता है। तो संधि शब्द देखिए दोस्तों, वैसे अगर इसको वास्तविक इसका अर्थ देखा जाए तो वास्तविक अर्थ इसका होता है समझौता। यानी संधि एक मित्रता, योग, जोड़ तो है इनके साथ में, इसका जो शाब्दिक अर्थ या शुद्ध शाब्दिक अर्थ जो अपने देखना चाहें तो वो ले सकते हैं अपने समझौते से। क्योंकि देखें तो संधि जो है वो हम दो वर्णों के बीच में करवाते हैं, दो वर्णों के बीच में हम संधि करवाते हैं, तो वो दोनों वर्ण जो हैं वो अपना अस्तित्व छोड़कर किसी नई ध्वनि के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं इनके अंदर समझौता रहता है और एक नई ध्वनि का निर्माण होता है। तो इस नई ध्वनि के निर्माण के लिए जब डेफिनेशन की बात करेंगे, अपने परिभाषा की बात करेंगे, तो संधि की जो परिभाषा बनती है वो बनती है दो ध्वनियों का मेल, दो ध्वनियों का मेल तथा इस मेल से एक विकार। यानी दो ध्वनियों का जब मेल करवाया जाए तो वहां विकार पैदा होता है। ये जो विकार है यही विकार संधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो विकार पैदा होता है, ये विकार पैदा होता है दो निकटतम के अंदर, दो निकटतम ध्वनियों के अंदर। यानी दो निकटतम ध्वनियों का जो मेल करवाया जाता है उनसे जो विकार पैदा होता है वो विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये जो विकार है वो कितने प्रकार से पैदा हो सकता है। तो ये विकार जो है वो मुख्यतः दो प्रकार से पैदा हो सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से पैदा हो सकता है, कि या तो ये विकार है जो मुख्य विकार हो सकता है, या तो ये विकार जो है परिवर्तन जो है वो मुख्य विकार पैदा हो सकता है, यानी मुख्य रूप से पैदा हो सकता है, या वो गौण तरह से पैदा हो सकता है। गौण का मतलब होता है कि जहां हम विकार पैदा करना चाह रहे हैं वहां वो विकार पैदा ना होकर शब्द के अन्यत्र कहीं और कहीं भी परिवर्तन हो जाए या विकार पैदा हो जाए। शब्द में कहीं दूर जब हम उस शब्द को शब्दों को मिला रहे हैं, वर्णों को मिला रहे हैं, तो वहां जहां हम विकार पैदा करना चाह रहे हैं वहां न होकर वो विकार कहीं और पैदा होता है, तो वो होता है गौण विकार, और इसी को जाना जाता है गौण संधि के नाम से। इसी को जाता है गौण संधि के नाम से। और ये जो मुख्य विकार जो हम करना चाह रहे हैं वहां अगर हो रहा है तो वो होता है मुख्य संधि के नाम से।
यानी कि जब संधि की बात करें तो संधि के इतने सारे आपके सामने मीनिंग लिखे हुए हैं, दो ध्वनियों का, और दो ध्वनियां भी कैसी, निकटतम ध्वनियां जो होती हैं उनके मेल को संधि कहा जाता है। और वो जो संधि है या वो जो विकार अपन पैदा कर रहे हैं वो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो मुख्य विकार हो सकता है उसे मुख्य संधि के नाम से कह सकते हैं, दूसरा गौण विकार हो सकता है जो कि गौण संधि के नाम से जाना जा सकता है। अब ये जो विकार है या ये जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है, यानी किस किस प्रकार से, किन किन ध्वनियों को आप मिलाकर या किन किन ध्वनियों को पास में लाकर आप ये विकार पैदा कर सकते हैं जो कि आपका मुख्य या गौण विकार हो सकता है। तो ये मुख्य या गौण विकार जो हम पैदा करना चाह रहे हैं वो किन किन ध्वनियों के अंदर हम कर सकते हैं उसको देखें। तो ये विकार जो है ये हम तीन प्रकार की ध्वनियों से पैदा कर सकते हैं, और वो तीन प्रकार की ध्वनियां होती हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इस आधार पर जो हमारी संधि है उसके हम भेद पढ़ा करते हैं। तो एक भेद का नाम हम स्वर पढ़ते हैं, एक भेद का नाम हम व्यंजन संधि के नाम से पढ़ते हैं, और एक भेद जो है हम विसर्ग संधि के नाम से पढ़ते हैं। तो जब बात करते हैं अपने विकार के बारे में तो विकार जो सबसे पहला होता है वो होता है स्वर संधि के रूप में। यानी हम भेद की बात करें या विकार की बात करें तो पहला जो भेद पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं स्वर संधि के नाम से। विकार यूं पैदा होता है, आपको ये योग का चिन्ह मिलता है, उस चिन्ह के एक तरफ यहां एक तरफ यहां दो ध्वनियां आपको मिलती हैं। प्रथम ध्वनि ये होती है, यहां इस शब्द की अंतिम ध्वनि, इस शब्द की प्रारंभिक ध्वनि, और ये दोनों ध्वनियां मिलकर जहां एक विकार पैदा करेंगी वही विकार जो है वो संधि है। तो ये जो विकार यहां हम पैदा करना चाह रहे हैं वो विकार पहला तो होता है स्वर ध्वनियों के अंतर्गत। और ये कहता है कि यदि दोनों जो ध्वनियां हैं वो स्वर हैं, दोनों जो ध्वनियां हैं वो स्वर हैं, यानी स्वर ध्वनियों के मिलने से यदि किसी प्रकार का विकार पैदा होता है तो वहां स्वर संधि होती है। यानी जब भेद की बात करते हैं अपने संधि के तो तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की जब बात करते हैं तो स्वर और यदि स्वर आपस में किसी प्रकार से मिलकर विकार पैदा करते हैं तो वो जाना जाता है स्वर संधि के नाम से। यदि स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, अन्यथा व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल अगर हम करवाते हैं या जोड़ हम किसी प्रकार से करवाते हैं और वो किसी विकार को पैदा करते हैं तो ये कहलाती है व्यंजन संधि, ये कहलाती है व्यंजन संधि। तीसरी जब बात करते हैं तो ये कहता है कि यदि आपके पास में दो विसर्ग है, यानी आपके पास में यदि विसर्ग ध्वनि है और उसके साथ में यदि आप स्वर या व्यंजन का किसी प्रकार से मेल करवाते हैं, उसके साथ में आप स्वर या व्यंजन का किसी प्रकार से मेल करवाते हैं तो इस विसर्ग तथा विसर्ग के आसपास, इस विसर्ग तथा विसर्ग के आसपास यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है या तो वो विसर्ग में हो रहा है या उसके आसपास कहीं हो रहा है तो इस प्रकार का जो विकार होता है वो विकार कहलाता है विसर्ग संधि, वो विकार कहलाता है विसर्ग संधि। यानी हम जब संधि के भेदों की बात करेंगे तो वो तीन प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर 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 संधि है, स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन, इस प्रकार का यदि विकार है तो वो व्यंजन संधि है, और यदि विसर्ग के अंदर स्वर या व्यंजन के मेल से अगर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो वो विसर्ग संधि है। तो ये आपके तीन जो भेद थे वो भेद की डेफिनेशन है। दोस्तों आपको जो हमारा ये जो मैटर जो भी मैं यहाँ बोर्ड पर करवा रहा हूँ या हमारे जो भी सब्जेक्ट टीचर आपको बोर्ड पर जो भी मैटर करवाते हैं उनका बिल्कुल आपको पीडीएफ जो है हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध होगा, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास कर सकें। तो दोस्तों बात करते हैं अपने स्वर संधि की, बात करेंगे स्वर संधि की। और जब स्वर संधि की बात करते हैं तो अभी हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि यदि स्वर में किसी स्वर ध्वनि को मिलाया जाता है तो वहां स्वर संधि होती है, वहां स्वर संधि होती है। तो ये स्वर में स्वर को मिलाने की जो कला है या स्वर में स्वर ध्वनि को मिलाने की जो विधि है वो पांच प्रकार से पूर्ण की जा सकती है, जिसमें नंबर एक आता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर दो आता है आपका गुण स्वर संधि।
नंबर तीन वृद्धि स्वर संधि, नंबर चार यण संधि, नंबर पांच अयादि संधि। स्वर संधि की बात जब की जाती है तो उसने कहा स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि, यानी स्वर स्वर के अंदर अगर आप किसी प्रकार का समझौता या मेल करवाते हैं तो वहां कौन सी संधि होती है आपकी, स्वर संधि होती है। ये जो स्वर संधि है उसको उसने पांच भागों में आगे फिर से बांट दिया कि यदि आप संधि करवा रहे हैं और वो भी किस में करवा रहे हैं, स्वरों में करवा रहे हैं, और वो स्वर जो है वो अपने दीर्घ रूप में बदल रहे हैं, या यूं कहें कि जहां दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं संधि की, क्योंकि हम संधि पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं स्वर की। यानी संधि जो हो रही है वो स्वरों में हो रही है, और स्वरों में संधि करने के बाद में आप निर्माण कर रहे हैं दीर्घ स्वरों का, तो उसने नाम दिया इसको दीर्घ संधि। उसके बाद में वो कहता है कि आप संधि कर रहे हैं स्वरों में कर रहे हैं और आप गुण स्वरों का निर्माण कर रहे हैं, यानी आप गुण का निर्माण कर रहे हैं, तो जहां गुण ध्वनियों का निर्माण होता है, गुण स्वर का निर्माण होता है, वहां गुण संधि होती है। उसके बाद में वो बात कहता है संधि की कि आप कर तो संधि रहे हैं, आप स्वर में कर रहे हैं, स्वरों को मिला रहे हैं, और जो निर्माण कर रहे हैं वो वृद्धि स्वर का कर रहे हैं, तो जहां वृद्धि स्वरों का निर्माण होता है वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। उसके बाद में इसने कहा यण संधि। देखिए दोस्तों, इस संधि के अंदर मिलते तो स्वर हैं, यानी आप जब किसी ध्वनियों का योग करेंगे तो वो दोनों जो ध्वनियां हैं वो बिल्कुल आपकी स्वर होंगी, परंतु जो निर्माण होगा वो यण ध्वनियों का होता है, यानी आप व्यंजनों का निर्माण करते हैं, यानी आप य र ल और व इन चार ध्वनियों का निर्माण जो है वो यण संधि के अंतर्गत करते हैं। इसलिए अगर यहाँ यण स्वर संधि ना लिखा जाए तो भी बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि आप स्वर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप स्वर के मेल से आप किसी व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार अय प्लस आदि से शब्द बना है, अय प्लस आदि, यानी अय जैसे शब्दों का जिस संधि में निर्माण होता है या अय जैसी ध्वनियों का जिस संधि के अंदर निर्माण होता है वहां अयादि संधि होती है। तो अयादि का मतलब अय आदि, यानी अय जैसी ध्वनियों का निर्माण आप जिस संधि में करते हैं वहां आप अयादि संधि मानते हैं। इसमें भी अगर हम अयादि स्वर ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप यहां पर स्वरों का निर्माण नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है अयादि संधि है। यानी पांच जो यहाँ रूप इसने लिख रखे हैं, पांचों को जिस प्रकार से उसने नाम दिया है बिल्कुल उसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो यहाँ करता है। और इस चीज का निर्माण और इस चीज का निर्माण, ये जो तीन निर्माण हमने यहाँ लिख रखे हैं, इन तीनों शब्दों का निर्माण जो है हम पीछे की अपनी क्लास के अंदर वर्ण विचार के अंदर कर चुके हैं, वहां हमने इसको संक्षिप्त रूप में पढ़ा था, यहाँ हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि की जब बात की जाती है तो ये पांच प्रकार के आपके भेद बनते हैं। बात करेंगे अपने दीर्घ स्वर संधि की, पांच जो भेद हैं, इन पांच भेद में से अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। नंबर एक है अपना दीर्घ स्वर संधि, और जब दीर्घ स्वर संधि की बात की जाती है तो हमने पीछे की क्लास में हमने जब वर्ण विचार पढ़ा था तो वहां हमने स्वरों का एक प्रकार पढ़ा था सहजातीय। तो ऐसी संधि जिसके अंदर सहजातीय ध्वनियां जो हैं वो आपस में मिलकर अपने बड़े रूप में बदल जाती हैं। तो दोस्तों सहजातीय जो ध्वनियां हैं वो हमारे पास में ए और आ, ई और ई, ऊ और ऊ, ये जो ध्वनियां हैं ये आपस में सहजातीय हैं। ए और आ आपस में सहजातीय है, ई आपस में सहजातीय है, और ऊ आपस में सहजातीय हैं। और ये कहता है कि जब सहजातीय ध्वनियां जो हैं उनको आपस में यदि आप किसी भी प्रकार से मिला दें तो वो अपने दीर्घ रूप में बदल जाती हैं। तो ए और आ में आ का जो रूप है वो दीर्घ है, ई और ई में जो ई का रूप है वो दीर्घ है, ऊ और ऊ में जो ऊ का रूप है वो दीर्घ है। तो यदि आप इनको आपस में किसी भी प्रकार से मिला दें, यानी मैं आपसे यूं कहूं कि ए या आ प्लस ए या आ, तो इनसे जो निर्माण होगा,
इन दोनों को मिलाने पर जो निर्माण होगा वो आ ध्वनि का होगा। तो आप इन ध्वनियों को जब आपस में मिलाते हैं तो ये बिल्कुल आपस में चार प्रकार से मिल सकती हैं, या तो ए ए में मिलेगा, या ए जो है वो आ में मिलेगा, आ ए में मिल सकता है, या आ में मिल सकता है। तो यानी ए या आ जो है वो ए या आ में चार बार से मिल सकता है, या चार प्रकार से मिल सकता है, और प्रत्येक बार वो आ का निर्माण करेगा। उसी प्रकार ई या ई जो है वो ई या ई में मिलेगा और दीर्घ ई का निर्माण करेगा। यानी ये जो ध्वनि है वो भी आपस में चार प्रकार से मिल सकती है और चारों बार वो जो है दीर्घ ई का निर्माण करेगा। उसी प्रकार ऊ या ऊ जो है वो ऊ या ऊ में मिलेगा तो दीर्घ ऊ का निर्माण करता है। ये भी इसमें चार प्रकार से मिल सकता है और चारों बार वो दीर्घ ऊ का निर्माण करता है। यानी यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि ए है और उसके सामने ए आ जाए तो दोनों मिलकर वो आ का निर्माण करते हैं। ए के बाद यदि आ आ रहा है तो भी दोनों मिलकर वो आ का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार आ के बाद यदि ए या आ इनमें से कोई भी ध्वनि आती है तो वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आ का निर्माण करते हैं। तो ये आपकी दीर्घ संधि है। इसको यदि डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो सहजातीय ध्वनियां जो हैं वो आपस में मिलकर अपने दीर्घ रूप का निर्माण करती हैं, ये इसकी डेफिनेशन हुई। और यदि इसको सूत्र के रूप में लिखें, अपने फॉर्मूले के रूप में लिखें, तो ए या आ योग ए या आ बराबर आ का निर्माण वो करती हैं। तो ये आपके इस प्रकार से सूत्र बन जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपने इनके एग्जाम्पल की कि किस प्रकार से इसको अपन समझ सकते हैं। तो सूत्र आपके बिल्कुल सामने लिखे हैं, मैं इनको रफ नहीं करता। हम बात करते हैं, मेरे पास में दोस्तों एक शब्द है राम प्लस अमता अवतार, राम प्लस अवतार। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस शब्द की कि इस शब्द में अंतिम ध्वनि जो है वो क्या है, तो इस शब्द की अंतिम ध्वनि जो है वो ए है। उसी प्रकार इस शब्द की जो प्रारंभिक ध्वनि जो है वो भी ए है। बीच में ये योग का चिन्ह है जो ऊपर से नीचे चल रहा है। तो मैं अब आपसे कहूं कि ए प्लस ए, तो हमारा जो ये प्रथम सूत्र है उसके हिसाब से ये काम करता है। ए और ए को उसने कहा कि आपको आ मानना है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इस शब्द का इधर जो रूप बचेगा वो इस प्रकार का रूप बचता है, क्योंकि मैं में से ए आपने नीचे ले लिया तो आपका मैं जो रहा वो आधा रह गया। उस प्रकार से आपने इस शब्द का ए जो था वो यहाँ काम में ले लिया है, तो आपका इधर शब्द बचा बतार, इधर शब्द बचा बतार। अब देखिए दोस्तों, आपका जो नया शब्द है वो ये बनता है राम आ बतार। और स्वर की विशेषता है कि यदि वो किसी शब्द के बीच में हो और उससे प्रथम वर्ण यदि व्यंजन आदा है तो वो उस शब्द को या उस व्यंजन को वो पूरा करता है और उसमें वो मात्रा के रूप में समाहित होता है। तो इस शब्द का जो नया रूप बनेगा वो आपके सामने बनेगा रामावतार। शब्द आपका जो शुद्ध शब्द होगा वो बनेगा रामावतार। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं इस शब्द को यूं लिख दूं राम अवतार, तो बिल्कुल ये शब्द भी बिल्कुल सही है, परंतु भाषा की दृष्टि से ये शब्द गलत है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से इस शब्द के अंदर किसी प्रकार की संधि आपने नहीं की। तो जहां संधि की संभावना है वहां आपको संधि करनी आवश्यक है। तो रामावतार शब्द जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, जबकि राम अवतार शब्द जो है वो अशुद्ध तो नहीं है, परंतु फिर भी ये अशुद्ध है क्योंकि भाषा की दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है। तो रामावतार जो शब्द है वो आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द बनेगा। अब मैं आपसे कहूं कि इस शब्द को आपको तोड़ना है, तो प्राय क्या देखें हम कि हमें पता लगे कि वो शब्द जो है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए, यदि किसी शब्द के अंदर प्राय यदि आपको क्या आ की मात्रा दिखती है शब्द के बीच में कहीं, तो वहां हम ये मान सकते हैं कि वहां दीर्घ स्वर संधि हो सकती है। तो जहां आपको आ की मात्रा दिख रही है वहां से आप शब्द को तोड़ने का प्रयास करें। यदि मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं देशांतर, शब्द है देशांतर, इस शब्द में मुझे यहाँ श के ऊपर आ की मात्रा दिख रही है, तो मैं यहाँ से कोशिश करूं कि शब्द को मैं दीर्घ स्वर संधि मानकर इसे यहाँ से तोड़ने का प्रयास करूं, तो देश शब्द को मैं जब यहाँ या देशांतर शब्द को मैं यहाँ से तोड़ूं तो इस देश शब्द को मैं अपनी प्रथम शब्द मान सकता हूं। यानी इस शब्द का प्रथम शब्द जो है मैं देश को मान सकता हूं, इसमें आ की जो मात्रा है उसको मैं यहां लिख लूं अंतर शब्द के दौरान लिख लूं। परंतु देखिए, भाषा में अंतर शब्द मैंने नहीं पढ़ा, परंतु मैंने अंतर शब्द पढ़ रखा है।
तो मेरा जो शुद्ध शब्द होगा वो देश प्लस अंतर हो सकता है, अंतर मेरा शब्द नहीं होगा। देश शब्द भी मैंने प्राय पढ़ रखा है या मैंने देख रखा है या सुन रखा है, उसी प्रकार अंतर शब्द भी मैंने देख पढ़ रखा है, जबकि अंतर शब्द मैंने देखा हुआ या पढ़ा हुआ नहीं है। तो मेरा जो शुद्ध उदाहरण होगा वो देश प्लस अंतर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अपन देखते हैं, हमारा ई का एक एग्जाम्पल देखते हैं, रवि प्लस इंदर। इस शब्द की अंतिम ध्वनि जो है वो हमारी ई और इस शब्द की प्रारंभिक ध्वनि जो है वो ई, और इस प्रकार का यदि कहीं नियम लागू हो रहा हो तो उसे आपको बदलना होता है दीर्घ ई के अंदर। तो यहां से ये ई चला गया, यहां से ई चला गया और उसने ए की रूप धारण कर लिया दीर्घ ई का। तो ये जो मेरा इधर का शब्द है वो मेरे पास में बचा ये, और इधर मेरे पास में बचा ये वाला शब्द। अब मैं इस शब्द को अगर पूरा करना चाहूं तो ये शब्द मेरा यूं पूरा होता है, शब्द बनेगा रविंद्र, जिसमें आपकी ई की मात्रा जो होगी वो बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, और यही रविंद्र जो है वो शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों संधि जो होती है, हम सबसे पहले संधि सीखते हैं, तो संधि शब्द जो है वो आपको शब्द शुद्धि भी सिखाता है साथ साथ में। संधि शब्द जो है वो आपको शब्द शुद्धि भी साथ साथ में सिखाएगा, आपको वो पर्यायवाची भी सिखाएगा, आपको वो पर्यायवाची भी सिखाएगा। क्योंकि शब्द शुद्धि हम जब संधि करेंगे तो बहुत सारे शब्दों को हम शुद्ध लिखना सीखेंगे, उसके साथ साथ में उन शब्दों के हम अर्थ भी पर्याय करते रहेंगे, तो आपको वो पर्यायवाची भी बिल्कुल याद होते रहेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि इस शब्द को आपको तोड़ना है तो कैसे पता चले कि ये शब्द जो है वो दीर्घ स्वर संधि का है? तो आप प्राय देखें कि उसके अंदर ई की जो मात्रा है, बड़े ई की या दीर्घ ई की मात्रा जो है वो यदि किसी ध्वनि के ऊपर आ रही है, तो रविंद्र शब्द के अंदर V के ऊपर मुझे ये मात्रा मिल रही है, तो मैं इसको यहाँ से तोड़ने की प्रयास करूं, और इस मात्रा के बगैर अगर मैं इस शब्द को निकालने की कोशिश करूं तो मेरा शब्द बचता है रव, और इधर शब्द बचता है मेरा इंद्र। देखिए ये दोनों शब्दों से संधि नहीं होती है, तो मैं ये मानूं कि यहाँ मेरा शब्द रवि रहा होगा या बड़ा रवि रहा होगा, और इधर या तो इंद्र रहा होगा या इंद्र रहा होगा। तो रवि प्लस इंद्र जो है वो बिल्कुल शुद्ध बनता है इसका। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं ऊ के एग्जाम्पल की, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर। तो इस शब्द की अगर देखें अंतिम ध्वनि तो वो निकलती है ऊ, और इस शब्द की प्रारंभिक ध्वनि छोटा ऊ। ये दोनों आपकी ध्वनियां निकल गई, इधर आपका शब्द बचा लग और इधर आपका शब्द बचा तर। तो अब आप इसको मिलाएं तो इन दोनों ध्वनियों के बदले में उसने कहा आपको एक ही ध्वनि माननी है और वो है आपका दीर्घ ऊ, तो आपका शब्द बनता है लघुत्तर, शब्द बनता है लघुत्तर। और यदि आप इसे तोड़ना चाहें तो आप देखें कि यदि किसी शब्द में आपको बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वहां से आप उस शब्द को प्राय तोड़ सकते हैं। तो अगर इस शब्द को आप यहां से तोड़ना चाहें जिस पर ये ऊ की मात्रा है, तो आप इसे या तो लघु मान सकते हैं या आप इसे लघु मान सकते हैं। ये शब्द हमने प्राय नहीं पढ़ रखा, इसे देखा हुआ है। उसी प्रकार सामने आपका शब्द बचता है तर, और इधर भी आपका शब्द बचता है तर। इस प्रकार से ये शब्द बनता नहीं क्योंकि हमें सामने इसको क्या देना होगा, ऊ देना होगा। तो आप इसे ये दो प्रकार से ऊ दे सकते हैं, तो आपका शब्द ये शुद्ध होता है लघु प्लस उत्तर। तो दोस्तों ये आपकी दीर्घ स्वर संधि जो होती है वो यहाँ नियम के मुताबिक आपकी पूरी हो जाती है। इसके कुछ एक उदाहरण जो हैं वो हम अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और घंटी का जो निशान है उसे दबाते रहिए, ताकि आपको हमारे जो वीडियोज हैं लेटेस्ट वीडियोज, या यूं कहें कि पटवारी का जो सिलेबस है वो पूर्णतः निःशुल्क जो करवाया जा रहा है वो आपको टाइमो टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।